एमएसपी को लेकर पीएम के ट्वीट पर सरकार और विपक्ष आमने सामने, गृह मंत्री अनिल विज ने किया पलटवार। देश में कृषि अध्यादेशों का मुद्दा इन दिनों सियासी गलियारों में जोर शोर के साथ गूंज रहा है। वहीं सरकार एमएसपी के दाम बढ़ाकर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। ऐसे में अब विरोधी दल सरकार को नसीहत दे रहे हैं कि सरकार एमएसपी को कानून क्यों नहीं बना देती। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट को लेकर भी विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि क्या पीएम के ट्वीट को कानून मान लिया जाए। विपक्ष के इन्हीं सवालों का आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब दिया और विरोधी दलों पर जमकर पलटवार किया। वहीं आज एक बार फिर अनिल विज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ खड़े नजर आए। कृषि अध्यादेशों में एमएसपी को भी शामिल किए जाने की मांग अब किसान और विपक्ष उठा रहे हैं। वहीं हाल ही में एमएसपी बढ़ाकर सरकार किसानों को लुभाने का प्रयास भी कर चुकी है, लेकिन किसान और विपक्ष अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। लगातार उठ रहे विरोधी दलों के सवालों पर आज गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया और कहा कि एमएसपी पहले से लागू है और इसे खत्म करने की बात किसी ने नहीं की। ऐसे में नया कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पीएम का ट्वीट भी विपक्ष के निशाने पर रहा। इसे लेकर विज ने कहा कि प्रधानमंत्री का किसी मुद्दे पर जनता को आश्वासन देना बहुत बड़ी बात होती है। विज ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि इनके लिए कोई कुछ नहीं होता, लेकिन देश के लिए पीएम बहुत बड़ी चीज होती है। क्या न्यायपालिका जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को कानून समझेगी? प्रधानमंत्री का किसी मुद्दे पर जनता को आश्वासन देना, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो चाहे बयान के माध्यम से हो, बहुत बड़ी बात होती है। इनके लिए तो कोई भी कुछ नहीं होता, लेकिन देश के लिए प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज होती है। वो कह रहे हैं कि एमएसपी जो है वो लागू किया जाएगा, ये कह तो रहे हैं, लेकिन कानून क्यों नहीं बनाया? एमएसपी नहीं लागू किया जाएगा ये कहां कहा किसी ने? एमएसपी तो लागू है, कानून से लागू है। एमएसपी को लेकर सवाल उठाए कि उसको कानून क्यों नहीं बना देते? एमएसपी तो पहले ही लागू है। किसी ने किसी विधेयक में ये नहीं कहा कि ये खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्यों के माध्यम से, अपने ट्वीट के माध्यम से जनता को अश्योर किया है कि एमएसपी यथावत रहेगा, तो उसमें नया कानून बनाने की जरूरत क्या है जब उसको खत्म ही नहीं किया गया? किसी ने कहा ही नहीं कि ये खत्म होगा, तो नया कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। उन्होंने क्या लेना हमारी राजनीति से? और दुष्यंत क्यों इस्तीफा दे? जो तीनों विधेयक पारित किए गए हैं, दुष्यंत ने उनको सराहा है, जिस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की गई थी उनका अनुमूलन हो चुका है, तो आम जनता ने अब उसको सराहा है। केवल कुछ डिसग्रंटल्ड लोग अब इसको मुद्दा बना के तमाशा करना चाहते हैं। पर लाठीचार्ज और झूठे 307 के मुकदमों को लेकर डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, क्या कहते हैं? नहीं, राजनीतिक पार्टी है, उनका काम है अपनी गतिविधियां चलाकर रखना, लेकिन जहां तक लाठीचार्ज की बात है, कहीं पर भी लाठीचार्ज नहीं किया गया है। देखिए, जो भी खर्चा होता है वो सीएजी ऑडिट करती है, सिस्टम है ये, और ऑडिट करने के बाद फिर वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में चला जाता है। अब अगर ना करते तो फिर विपक्ष शोर मचाता कि सुविधाएं दी नहीं गई हैं। अब अगर हमने व्यवस्था की है कि कोविड में कहीं पर भी किसी को भी कोई भी दिक्कत ना आए, तो अब ये शोर मचा रहे हैं।
मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसमें कादर खान का रोल था दो मुखिया, वो अपने पीए को प्रेस नोट लिखवाता है। मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ का निरीक्षण करने जाना होता है तो वो दो प्रेस नोट लिखवाता है, कहता अगर वो जाए गाड़ी से तो आपने कहना उधर लोग मर रहे हैं और ये धीरे धीरे गाड़ी से जा रहे हैं, अगर वो जाए जहाज़ से तो कहना उधर इतना नुकसान हो रहा है और ये जहाज़ में पैसा खराब कर रहे हैं। तो ये दो मुखिए हैं, इन्होंने तो बोलना ही है, बाकी जो भी खर्चा होता है वो सब्जेक्ट टू ऑडिट होता है।